फ्रेंड देखो, मेरे पास भगवान ने इतना तो नहीं दिया है, लेकिन हाँ जितना दिया है इतना छोटा तो अपन काम कर सकते हैं। ये देखो चिड़ियों का। हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ब्लॉग। प्लीज़ ब्लॉग को पूरा देखिएगा। आप लोग ना बिल्कुल ब्लॉग को पूरा नहीं देखते हैं। तो आज मैं लेकर आई हूँ कुछ चिड़ियों के लिए, मतलब इतनी गर्मी हो रही है तो मैंने सोचा कि चिड़ियों के लिए चलो दाना पानी का इंतज़ाम कर देते हैं। तो मैं आज करने वाली हूँ चिड़ियों के लिए दाना पानी का इंतज़ाम, और हमारे कुछ दूर जाके पेड़ है वहाँ पे मैं ये सब जाके लगाने वाली हूँ। तो फ्रेंड अगर आपके पास भी कहीं आसपास में पेड़ हो तो आप भी ये काम ज़रूर करिएगा, क्योंकि हम घर में रहते हैं और हमें इतनी गर्मी इतनी भूख प्यास लगती है, तो बेचारे बाहर रहते हैं, उनके पास तो कोई घर भी नहीं होता, होता भी तो धूप में ही होता है। तो इससे अच्छा ये है कि फ्रेंड हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। गर्मी इतनी है तो होता है ना कि कई पक्षी मर जाते हैं, उनको दाना पानी नहीं मिलता है तो बड़ा दुख होता है। तो नन्हे नन्हे से जीव होते हैं। प्लीज़ आप भी, मैं देखो क्या करने वाली हूँ, प्लीज़ आप भी मेरी तरह ब्लॉग देखिए। फ्रेंड हमने ये वायर, ये इनके अंदर मतलब वायर लगाया है, ये भाई लेकर आए हैं लोहे का वायर, क्योंकि इसमें पानी ठंडा रहेगा। और ये है दाने के लिए, और ये हम दाने भी लेकर आए हैं। भाई दाने डाल दो इसके अंदर। तो ये दाना है, ये भाई डाल रहे हैं, देख सकते हैं आप। और अब हम जाने वाले हैं फ्रेंड पास के, हमारे थोड़ा दूर जाके एक पेड़ है उसके ऊपर हम ये लगाने वाले हैं। तो जैसा ही फ्रेंड वहाँ पे चिड़िया बहुत सारी आने लगेंगी, हमारी कोशिश रहेगी कि हम और ज़्यादा वहाँ पे चिड़ियों के लिए कुछ लगा सकें। तो चलो चलते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे वहीं पर। ये पेड़ के नीचे आप देख सकते हैं, ये रहा पेड़, और इसके ऊपर ही हम अब लगाने वाले हैं ये चिड़िया के लिए दाना पानी का। तो यहाँ पे भाई बांध रहे हैं पानी का, और अब बांधने वाले हैं दाने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि ये देखो, ये भाई ने बांध दिया है, और अब ये भी बांधना है इसके लिए। देख सकते हैं यहाँ पे भाई ने बांध दिया है ये देखो चिड़िया के लिए। अब ये वाला बांधना ज़रूरी है दाने का, कि दोनों का पास पास रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, कि जैसे चिड़िया दाना भी खा लेगी और पानी भी साथ में पी लेगी। और इसमें इस कोहरे में पानी बहुत ठंडा रहता है, आप देख सकते हैं अभी तक पानी डाला नहीं है। जैसे भाई देखो बांध रहे हैं, यहाँ पे पानी का लगा दिया, जस्ट के पास में ये दाने का लगा रहे हैं। सही लग रहा है, अगर चिड़िया यहाँ पे आने लगी ना तो यहाँ पे फिर और भी लगा देंगे। बहुत गर्मी हो रही है सच में, हम लोग घर में रहकर भी इतना बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, और ये सोचिए पशु पक्षी कहाँ जाएंगे, उनको भी तो गर्मी लगती है, वो बेजुबान होते हैं, वो किसको बोल सकते हैं, उनके फीलिंग हमें समझनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स आप भी ज़रूर कुछ ना कीजिए, ये छोटा सा काम है, इसमें कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं लगता। आप भी जितना हो सके चिड़ियों के लिए कीजिए, क्योंकि गर्मी बहुत हो गई है। और सच में हम लोग घर में कूलर में बैठते हैं, पंखे में बैठते हैं, हम फिर भी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो ये तो फिर धूप में रहने वाले हैं, इनके तो घर भी नहीं होते, हम तो फिर भी घर में रहते हैं। ये देखो भर दिया है पानी, लेकिन ज़्यादा हो गया है, तो देखो यहाँ से भी निकलने लग गया ये। बट ये कि इनमें ना पानी बहुत ठंडा रहता है, पानी बहुत ठंडा रहता है। तो फ्रेंड्स आपके आसपास में कहीं भी जहाँ पर भी पेड़ हो, आप भी यही कोशिश करें कि चिड़िया के लिए, कबूतरों के लिए, जितने भी पशु पक्षी हैं उनके लिए कुछ ना कुछ रखें। ख़ास तौर पे चिड़ियों के लिए रखना चाहिए, क्योंकि वो इतने छोटे नन्ही नन्ही सी जानें होती हैं, और हमारे भगवान ने इतना पैसा तो नहीं दिया है कि इतना कर सके, लेकिन हाँ ये छोटा सा है इसमें तो हम कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपके भी आसपास में कहीं पेड़ हो तो आप भी ज़रूर लगाइए। मुझे मतलब ऐसा करना मुझे बहुत खुशी मिलती है। देखो जैसे डॉग्स होते हैं, उनको खाना खिलाना, बिस्किट खिलाना, और मतलब छोटी छोटी चीज़ें करने से फ्रेंड्स बहुत खुशी मिलती है। तो आप भी करके देखिए फ्रेंड्स, आपको भी बहुत सुकून मिलेगा, क्योंकि पेड़ लगाइए, पेड़ भी छाँव देते हैं, अच्छा होता है, ऑक्सीजन देते हैं हमें, या कोई भी पेड़ हो। लोग बोलते हैं कांटे का पेड़ अच्छा नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, सभी पेड़ अच्छे होते हैं, सभी पेड़ छाँव देते हैं, सभी पेड़ ऑक्सीजन देते हैं। और अभी मैंने यहाँ पे चिड़ियों के लिए दाना पानी का लगा दिया है, अब देखते हैं यहाँ पे कितनी चिड़िया आती हैं। यह है कि धीरे धीरे आना शुरू होंगी, उनको पता चलेगा कि यहाँ पे है, तो चिड़िया ही नहीं गिलहरी भी आएगी, बहुत सारे मतलब
जितने भी हैं वो सब आएंगे, चिड़िया कबूतर जितने भी मतलब पक्षी पक्षी हैं, पशु तो नहीं आएंगे, पक्षी आ सकते हैं। फ्रेंड आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसा ही मज़ेदार वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।